सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आपका एक दो दिन पहले अब न्यूज़ आ चुका है कि अब रीनीट नहीं होने वाला। जितनी भी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग इन पोस्टपोनमेंट जो सब चल रहा था, फाइनली अब सब फुल स्टॉप लग चुका है एंड देर इज़ नो रीनीट जो हैपन हो रहा है। एंड मोस्टली आई गेस एस्पिरेंट्स इसी उसमें थे कि रीनीट नाउ, बिकॉज इट विल बी वेरी अनफेयर फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने जनरली बहुत ऑथेंटिक वे में पेपर दिया था एंड जिनके यहाँ पे कोई पेपर लीक जैसी चीज़ नहीं हुई थी। सो फाइनली मैं इसलिए पिछले दो तीन हफ्ते से वीडियो नहीं बना रहा था, बिकॉज ये पूरे फेज में क्या होगा क्या नहीं होगा मैं कुछ श्योर नहीं था। मैं ज़बरदस्ती का कोई वीडियो बनाया था कि ये होना है व्यूज़ के लिए, इसलिए मैं एकदम फुल स्टॉप था कि जब अब रीनीट का कुछ आ जाएगा तब ऐसा कुछ भी अगर प्लान या वीडियो का तो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। एंड फाइनली जब मालूम पड़ गया कि रीनीट जैसा कुछ नहीं हो रहा एंड अगर आपको MBBS करना है या आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स से आपको लग रहा है कि बस अब कुछ महीनों की बात है, इट्स लेस देन वन ईयर, सिर्फ 10 मंथ एग्जैक्टली, तो आप NEET 2025 के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो परफेक्ट जगह पे आप आए हो। आपको परफेक्टली मैं सब कुछ बता दूंगा कि कैसे करना है क्या नहीं करना। मैं इस वीडियो में 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो हैं, जो फर्स्ट टाइम देने वाले, इन शॉर्ट जो फ्रेशर्स जो हैं और जो ड्रॉपर्स हैं, दोनों को मैंने कंबाइन किया हुआ है। मैं यहाँ पे कोई आपको एवरीडे टाइम टेबल नहीं देने वाला कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, वो सब अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो उतने केपेबल तो आप होने चाहिए कि आप अपना एवरीडे का टाइम टेबल खुद बना लो। मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ बताने आया हूँ कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होना चाहिए, कितने आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। अगेन मैं सब्जेक्ट और स्ट्रेटजी उतना एनहेंस यहाँ पे नहीं बताऊंगा, उस पर मैं इंडिविजुअल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिजिक्स और बायोलॉजी केमिस्ट्री की मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूँ। सो यस, लेट जस्ट स्टार्ट विद कि आपका मई तक का पूरा प्लान क्या होना चाहिए, आपका कैसे टारगेट कंप्लीट करना चाहिए, कौन से मंथ में आपको क्या यहाँ तक तो कंप्लीट कर ही लेना चाहिए, और अगर अब डिले करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज लेट मी टेल यू, अब जो NEET 2025 आने वाला वो बहुत टफेस्ट नीट होगा। टफेस्ट आई एम नॉट टेलिंग इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी, पेपर कभी डिफिकल्ट नहीं आता। NTA का मैंने कितने वीडियोस बना चुका हूँ, नीट का पेपर डिफिकल्ट एज सच कभी नहीं आएगा। चाहे आप 2019 से लेकर 24 तक का पेपर देख लो, जब से NTA आई है, रीसेंट आपका रीनीट हुआ तो 23 जून को आप वो भी देख सकते हो, या कोई भी प्रीवियस रीनीट आप देख लो जो साल में दोबारा होता है, आप कोई भी रीनीट ले लो, कभी भी डिफिकल्ट पेपर नहीं आए। पेपर कभी टफ नहीं है पेपर। अगर मैं आपको जो कह रहा हूँ कि बिगेस्ट टफेस्ट कंपटीशन इन द हिस्ट्री, आई एम सेइंग बिकॉज अब तो सबसे पहले नंबर ऑफ कैंडिडेट हर साल वैसे इन जनरल भी बढ़ते ही हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, इस बार नंबर ऑफ क्वालिटी ड्रॉपर्स बढ़ेंगे आपके। आप देख सकते हो कि इस बार वो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं 600 मार्क्स वाले, 650 मार्क्स वाले, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ एंड दे आर ऑलरेडी सो मच ऐसा ह्यूमिलेटेड एंड काइंड ऑफ इंसल्टेड फील करें कि उनके अंदर तो डेडिकेशन बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू एनी फ्रेश एस्पिरेंट जिसने शायद अभी तक वो फेलियर नहीं देखा है या उसको एक वो कहते हैं ना बिग हार्ट ब्रेक टाइप नहीं हुआ। इस साल के एस्पिरेंट जिन्होंने जितना अभी तक जुलाई तक वेट किया था कि शायद उनको कॉलेज मिलेगी, अब उनको नहीं मिलने वाली, रीनीट नहीं होने वाला, तो दे आर द मोस्ट डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स। सो दैट्स आई हैव यूज्ड द वर्ड क्वालिटी ड्रॉपर्स, इस बार बहुत ज्यादा है, 200 300 400 मार्क्स वाले तो हैं ही एंड आई एम नॉट डाउटिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा डेडिकेशन हो सकता है, बट देयर इज अ वेरी हाई चांस जो 600 650 मार्क्स ला चुके वो लोग तो लाइक ऐसा सोच ही रहेंगे कि अब तो फुली लेके आना है हमें। ऑलरेडी आपका इस साल से रिड्यूस सिलेबस था, उसके से भी कंपटीशन आपका बढ़ा ही है एंड अगले साल भी रिड्यूस सिलेबस रहने वाला है। एंड एज आई टोल्ड कि बिकॉज ऑफ द ऑल दो जितनी भी इंसल्टिंग बिहेवियर ये एजुकेशन सिस्टम के लिए, एस्पिरेंट्स आर रियली डेडिकेटेड दिस ईयर कि अब तो कुछ भी हो जाए ऐसा मार्क्स ला लूंगा ना मैं अगली बार, कि पेपर लीक हो पेपर लीक ना हो मुझे कुछ फर्क ही ना पड़े, मेरा सिलेक्शन तो पक्का ही होने वाला है। ये अब लोगों का एटीट्यूड आ चुका है, लोग अब डिप्रेस की बजाय ज़्यादा फाइटर मोड पे आ चुके। जितने लोगों से मैंने बात की, जितने लोगों को मैं DM पे रिप्लाई कर रहा हूं, पीपल आर एक्चुअली वेरी फ्यूरियस। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि कॉम्पिटिशन विल बी वे more higher as compared to now. Now how can you beat this competition is all I can say is, chahe aap fresher ho chahe aap dropper ho, punctuality and discipline aapke andar honi chahiye tabhi aap ye aspirants ko beat up kar paoge. एक हंगर होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे इंप्रूव करना है, मुझे नई चीज़ें सीखनी, इट जस्ट नॉट लाइक हाँ मेरे मार्क्स आ रहे अब तो मुझे बस इसमें मेंटेन करना है। जितना आपका स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है करो, बिकॉज आपको लिटरली मालूम अभी आपके मार्क्स में भी आ भी रहोगे साल के एंड तक में आप सेम ही चीज़ पे सेचुरेट हो कि मे बी कुछ अपने चेंजेस नहीं ला रहे हो, लर्निंग नहीं कर रहे हो, तो आपके स्कोर फिर धीरे डाउन होना चालू हो जाएंगे और आपसे जो बेटर एस्पिरेंट्स हैं उनके स्कोर अप होना भी चालू हो जाता है, ऐसा मैंने कितनी बार देखा है। एंड तीसरा अडेप्टेबल नेचर, कितने लोगों का सुनता हूँ कि भैया टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मॉक टेस्ट में अच्छे आ रहे थे पेरेंट्स टीचर्स और मुझे खुद से ही मेरे आपसे बहुत होप थी, लेकिन मैं जैसा पेपर सोच के गया था पेपर वैसा नहीं आया, कुछ चेंजेस हो गए, मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अडेप्ट नहीं कर पाया जिसके साथ मुझे ड्रॉप लेना पड़ गया, उस गलती से मैंने OMR गलत भर दी, उस पैनिक में मैंने ये काम कर दिया वो काम कर दिया। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना रिविजन करने से बहुत ज्यादा जरूरी है अडेप्टेबल नेचर। आप हर एक प्लीज पहले तो जितने भी लोग ये रीजन से ड्रॉप ले रहे हैं जो कुछ गड़बड़ कर दिए थे इस बार नीट में, अपने आपको अडेप्ट कर लो कि कोई भी आप प्रीअज्यूम करके मत जाओ कि मेरे को ऐसी सिचुएशन ही मिलेगी, मुझे ऐसा ही पेपर मिलेगा, मेरे को ऐसा ही कुछ मिलेगा, बहुत हिंड्रेंस और बहुत डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। आपको पहले तो एक अडेप्टेबल नेचर बनाना होगा, उस साल इस पे प्रैक्टिस करना, पहले तो अपनी वीकनेस पे काम करो कि आप आज ड्रॉप ले रहे हो तो क्या गलती थी जिसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ,
एक्सेप्ट आप 650 मार्क्स लाए थे, आपका सब कुछ परफेक्ट था, एजुकेशन सिस्टम वॉज द ओनली रीजन, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको, मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि भैया PYQ बुक ऑफलाइन कोई बता दो, बिकॉज ऑनलाइन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आपका नीट का पूरा सिलेबस एक तरफ और आपके पास एक PYQ बुक होना वो एक दूसरी तरफ है। सो फॉर ऑल ऑफ यू जिनके पास नहीं है, आई एम हियर विद दिस ओसवाल 37 ईयर PYQ बुक। आप देख सकते हो 3 अलग अलग बुक है ये मेरे पास, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है एंड फिजिक्स है। द बेस्ट फीचर्स ऑफ दिस बुक आर, सबसे पहले तो 37 ईयर्स के सारे PYQ यहाँ पे कवर किए गए हैं। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको PYQ मिलेंगे। आप कोई भी चैप्टर खोलोगे तो उसका एक ब्रीफ शॉर्ट नोट जैसा या माइंड मैप जैसा या कुछ भी कह लो, पूरा एक थ्योरेटिकल टॉपिक वाइज दिया हुआ है। फिर वही टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल से आपके टॉपिक वाइज PYQ बनाए। तो सो कॉल्ड आपने टॉपिक नंबर 1 पढ़ा, अच्छे से रीड किया, रिवाइज किया, अब सेम वही टॉपिक नंबर 1 क्या PYQ अच्छे से सॉल्व करोगे। तो आपको अगर आप एक गो में पूरा चैप्टर नहीं कर पाते तो आप पार्ट्स में बहुत प्रॉपरली अपने PYQ अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ऑफकोर्स हिंट्स एंड सोल्यूशन जो यहाँ पे दिए गए हैं बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। इसके साथ साथ कोई भी चैप्टर खत्म हो रहा है तो एक एंड में आपको 1 पेज में पूरा माइंड मैप शॉर्ट नोट जैसा बना दिया है, जो मैं आपको कहता हूं कि बनाया करो। इनके साथ नहीं बनाए तो ऐसी बुक्स प्रीफर करो जहां पे माइंड मैप से शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं। उसके साथ साथ आपके नीट का पूरा ट्रेंड चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं वो सब यहां पे परफेक्टली दिया हुआ है। सॉल्यूशन में आपके ट्रिक्स एंड एक्स्ट्रा निमोनिक्स वगैरह भी ऐड किए गए हैं ताकि आपको बेटर लर्निंग में हेल्प मिल सके। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस ओसवाल PYQ बुक, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट, जस्ट गो एंड बाय दिस अमेजिंग बुक एंड लेट मी नो द रिव्यू। अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे कि आप 10 मंथ में आपको डिवाइड कैसे करना है। ये एक्चुअल टाइम टेबल देने से पहले मुझे आपको ये सब चीज़ें भी बतानी थी जो मैंने अभी तक बोली, कि क्या क्या चीज़ों पे आपको वर्क करना है, कैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, अभी से अलर्ट कर रहा हूँ, अगले साल जब बहुत हाई होगा तब रिग्रेट मत करना। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, 10 मंथ को पहले तो मैं डिवाइड कर दो दिसंबर तक में, फिर दिसंबर से लेकर मई तक में। हमेशा कहता हूँ नीट का सिलेबस इतना ज़्यादा ना कि मिनिमम 5 महीने रिविजन चाहिए। अगर अब आपको 650, 700 या 680 जो भी मार्क्स आपको लाना है ना, 5 महीने का तो रिविजन मस्ट है। पहले दिसंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीशन करना है। अब टिल दिसंबर 2 टाइप के बच्चे आते हैं मेरे पास, एक तो 12th स्टैंडर्ड वाले, उनके लिए तो भाई मस्ट है दिसंबर एंड तक करना। आपके जनवरी में प्री बोर्ड्स होंगे, मे बी फेब में आपके बोर्ड्स होंगे, तो आपका तो पूरा ये जो भी 11th, आई होप आई एम अज्यूमिंग आपने कंप्लीट कर लिया है। 12th स्टैंडर्ड भी आपका दिसंबर एंड तक तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। अगर इनके साथ आपका 11th नहीं हुआ है तो यूज योर दिवाली वैकेशन फॉर 11th रिविजन और 11th कंप्लीशन, जो भी आप कह सकते हो। जनवरी फरवरी आपका पूरा बोर्ड में चला जाएगा, आप उतना नीट रिलेटेड MCQ वगैरह सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि अपना पोर्शन जितनी जल्दी कंप्लीट करोगे उतना अपने प्रिपरेशन में अहेड रहोगे, क्योंकि लेट मी टेल यू फ्रेशर्स एस्पिरेंट बहुत ज्यादा हाई स्कोर करते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। ये मत सोचो कि सारे ड्रॉपर्स हमारा कॉम्पिटिशन है, फ्रेशर एस्पिरेंट भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं। आकाश एलन कोटा में डमी वाले बच्चे जो स्कूल नहीं जाते ऑलरेडी अपने प्रिपरेशन में बहुत आगे, कुछ लोग का 12th 1-2 महीने में कंप्लीट भी पूरा हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप लोग दिसंबर एंड तक तो कंप्लीट कर लो। एंड कमिंग बैक टू द ड्रॉपर्स, तो ड्रॉपर्स में आपको तो सबसे पहले ऑलवेज स्टार्ट विद द वीक सब्जेक्ट। देखो बायोलॉजी को हटा दो, बायोलॉजी कभी किसी का वीक नहीं होता। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो भी आपका रेट लिमिटिंग सब्जेक्ट था जिसके साथ आप ड्रॉप लेना पड़ रहा है उस सब्जेक्ट से आप चालू करो, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड हो। बायोलॉजी तो आपको एवरी डे करना ही करना है, वो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं। बस इसलिए अभी आपका दिसंबर तक में 6 महीना है, 3 महीना फिजिक्स को दे दो, 3 महीना केमिस्ट्री को दे दो, और बायोलॉजी तो आपको एवरी डे करना ही करना है। ऐसे आप चाहो तो दिसंबर तक सारे ड्रॉपर्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बट लेट मी गिव यू वेरी गुड हिंट, आपका मेन गोल होना है इन शॉर्ट सिलेबस कंप्लीशन करना, ठीक है। अब मैं एक बहुत यूनिक वे आपको बताता हूँ जो मैं भी अपने ड्रॉपर में फॉलो करता था, कि कोई भी पार्ट टेस्ट वाली सीरीज आती है ना उस पर स्टिक आउट कर जाओ। पार्ट टेस्ट मतलब बायोलॉजी के कुछ चैप्टर आ रहे हैं और फिजिक्स के सिर्फ 2-4 चैप्टर आ रहे हैं, केमिस्ट्री के 2-4 चैप्टर आ रहे हैं, और ये 2-4 चैप्टर भी 2 चैप्टर 11th के 2 चैप्टर 12th के, ऐसे कंबाइंड कुछ पर्टिकुलर चैप्टर की जो सीरीज होती है वो कोई भी LN, आकाश, PW, XYZ इतने प्लेटफॉर्म में किसी को प्रमोट करने की जरूरत नहीं। आपको जो टेस्ट सीरीज ऑथेंटिक लगती है, जो आपके बजट में आती है, जो आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हो, एक पार्ट टेस्ट सीरीज ले रहे हो एंड आप महीने में 2 बार पार्ट टेस्ट सीरीज दो, तो उसमें क्या होगा ना, जैसे मान लो आप मैं कह रहा हूँ जैसे August 1 से आप चालू कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन करना, तो पहले पार्ट टेस्ट सीरीज की आप खुद की डेट फाइनलाइज कर लो कि मैं 15 अगस्त को दूंगा। तो 15 अगस्त तक में जो भी वो फिजिक्स के, वो केमिस्ट्री के, वो बायोलॉजी के मिक्स 11th 12th के जो कुछ चैप्टर्स हैं उनको प्रॉपरली एकदम डेडिकेटली अच्छे से प्रिपेयर करो। 15 दिन वही अपने चैप्टर्स को नीट का सिलेबस बना लो, फिर 15 को टेस्ट दो, मिस्टेक एनालिसिस करो, फिर अगले चैप्टर्स, न्यू सेट ऑफ चैप्टर्स जो आएंगे वो वाले टेस्ट सीरीज की तैयारी करो। तो ऐसे देखा जाए तो दिसंबर एंड तक टेस्ट सीरीज की भी आप प्रैक्टिस कर लोगे। ये मेथड से मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेथड इसलिए इतना ऑथेंटिक क्यों है कि सबसे पहले आपका सिलेबस भी एक मोटिवेटेड वे में कंप्लीट होगा, कि आपको टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे लाने, इसलिए आपको 15 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि आपको 15 अगस्त को टेस्ट देना ही देना है। तो आपका सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा, आपकी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ लोग का नीट में सिलेक्शन ना होने का रीजन कभी ये नहीं होता कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, उन्होंने टेस्ट सीरीज की उतनी प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए OMR की फिलिंग मिस्टेक, पेपर में कैसे चीज़ों को कोप अप करना चाहिए, बहुत चीज़ें आती है टेस्ट सीरीज में। तो आपका टेस्ट सीरीज और फियर वाला जो फैक्टर है उसका और सिलेबस कंप्लीशन दोनों की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
तो ये था आपका दिसंबर एंड तक का, मैंने प्रॉपरली आपको बता दिया ड्रॉपर्स के लिए भी, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए भी आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना। अब आ जाते हैं हम जनवरी टू मई तक। ऑलरेडी मैंने उनको फ्रेशर्स एस्पिरेंट को तो बता ही दिया जो फर्स्ट वाले कि आपका जनवरी फेब पूरा बोर्ड्स में चला जाएगा, तो आप मार्च से आपको रिविजन करना है। तो दैट मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ जनवरी फेब अपना पूरा 12th की NCERT इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेना कि मार्च से शायद अगर आपको 11th पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़े तो वो टाइम आप आराम से डेडिकेट कर सकते हो। इसलिए जनवरी फेब में कोई पॉइंट कोई कोना कोना NCERT का छोड़ना मत, फुली कॉन्फिडेंट रहना। मे बी सिर्फ आप मार्च में सिर्फ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, 12th स्टैंडर्ड का रिविजन उतना ना कर पाओ तो भी चलेगा, अप्रैल में कर लेना। मार्च आपको पूरा फिर 11th को वापस देना ही देना पड़ेगा। लेट्स कम टू, अब आपको नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज कैसे इंक्रीज करनी है वो मैं आपको बताने हूँ। सबसे पहले जनवरी और फेब ये दो महीना अभी आपको क्या करना है, वंस अ वीक टेस्ट देना, वो भी आप संडे को दो और वही दोपहर वाले टाइमिंग पर दो जैसे आपका नीट होता है। ये 10 क्या लिखा अभी मैं बताता हूँ आपको। जनवरी फेब में आप वंस अ वीक अगर टेस्ट दोगे तो आई एम अज्यूमिंग कि दो महीने में रफली 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे चुके हो, कि आपने दिसंबर तक पार्ट टेस्ट दिया, अब जनवरी से आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। और इसलिए अभी मैंने वंस अ वीक रखा क्योंकि अभी आपको ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत है, ज़्यादा रिविजन की जरूरत है एज कम्पेयर टू टेस्ट प्रैक्टिस। फिर भी आप टेस्ट प्रैक्टिस दे रहे हो दो महीने में 10 टेस्ट, बहुत अच्छा है। मिस्टेक नोटबुक है सबके सब टेस्ट सीरीज की आपको बनानी है, फॉर्मुला बुक बनानी है, पूरा पूरा नोट्स आपको रिवाइज नहीं करना टेस्ट के एक दो घंटे पहले, फॉर्मुला शीट शॉर्ट नोट मैनुअल सब हाथ में रेडी होना चाहिए, क्योंकि आप अपने नीट के सिलेबस को जितना कंसाइज वे में कर सकते हो ना उतना ज़्यादा आप अपने प्रिपरेशन में बहुत अहेड हो गए। मैंने कितने अपने शॉर्ट्स के थ्रू ऐसे ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी बताई है जो पूरे पूरे 881 चैप्टर्स को इतने कम पेजेस में शॉर्ट नोट्स और माइंड बना के कंसाइज कर ले कि उनके लिए फिर वो गोल हो जाता है बस ये कुछ XYZ A4 साइज पेपर पढ़ना और उनका पूरा पूरा नीट का सिलेबस हो जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एंड शॉर्ट नोट्स एंड माइंड नोट्स आपको बना के रखने। अब आ जाते हैं मार्च टू अप्रैल। अब आपने दो महीना इनफ अच्छे से रिविजन कर लिया, मिस्टेक एनालिसिस कर ली, तो अब आपको थोड़ी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। अब आपको ट्वाइस अ वीक फुल सिलेबस टेस्ट देना, ऑफकोर्स ये जो आपके दो टेस्ट के बीच में गैप है आपको ऑफकोर्स रिविजन कंटिन्यू रखना है। आप चाहो तो अगर आप ये मार्च और अप्रैल में देखो तो रफली अगर आप ट्वाइस अ वीक टेस्ट दोगे तो आपके कुछ रफली 16 टेस्ट हो जाएंगे। तो 16 टेस्ट आप यहाँ दे रहे हो, 10 टेस्ट आप स्टार्टिंग के दो महीने में दिए थे, एंड मेरी मानो तो अगर आप काफ़ी अब कॉन्फिडेंट हो चुके अपने प्रिपरेशन में तो लास्ट वीक में आप चाहो तो एवरीडे टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हो। तो रफली आपके 30 क्वालिटी टेस्ट सीरीज हो जाएगी विद कंप्लीट मिस्टेक एनालिसिस, आपको सब आपके रेट लिमिटिंग फैक्टर सब आपको मालूम होंगे। एंड लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट क्यों मैं इतना टेस्ट सीरीज कह रहा हूँ, क्योंकि अगेन मैं कहता हूँ कि नीट का सिलेबस जो आपका 81 चैप्टर्स या 100 चैप्टर्स का जो भी है, आप उस बुक का हर एक कोना हर एक पैराग्राफ हर एक लाइन रट के जाओ पॉसिबल नहीं है। अच्छी टेस्ट सीरीज आपको थ्रू लॉट ऑफ PYQ एनालिसिस थ्रू लॉट ऑफ एनालिसिस आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस हाईलाइट करके देती है जो नीट में हाई चांसेस आने के। फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में हर एक कोना आप लर्न करके जाओ जरूरी नहीं है, वो मोस्टली एग्जाम्पल्स पे सब चैप्टर रिलाई करते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज होगी ना उतना आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि यार प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल, मॉर्फोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एक ही दो शायद होंगे पूरे चैप्टर में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी आप ज़्यादा टेस्ट सीरीज होगी ना उतना आप खुद क्लियर होगे कि हाँ मुझे इस चैप्टर से बस ये पढ़ना है, इस चैप्टर से ये पढ़ना है, इस चैप्टर से ये पढ़ना है। पर अपनी प्रिपरेशन अभी से ऐसी मत रखना कि मैं अभी से बस ये चीज़ें पढ़ूँ, आपको अभी तो लेक्चर्स अच्छे से देखने, नोट्स अच्छे से बनाने, रिवीजन क्वेश्चन बैंक वो आपको हर एक टॉपिक का करना है। जब आप वो टेस्ट सीरीज देते जाओगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ एक्चुअली नीट का सिलेबस से ये चीज़ें एक्स्ट्रा आती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना टेस्ट सीरीज दोगे जितना रिविजन करोगे उतना आपका कंबाइंड बेनिफिट होने वाला है। आखिरी में आपको कितना टेस्ट सीरीज बढ़ाना है नहीं बढ़ाना वो भी बात पे छोड़ दो, पहले फिलहाल दिसंबर तक कंप्लीट करो, जनवरी फरवरी मार्च ये पूरा टारगेट कंप्लीट करो, अप्रैल तक आप खुद क्लियर हो जाओ कि मुझे ज़्यादा टेस्ट सीरीज देने की ज़्यादा पढ़ाई करनी है। सो दिस वॉज माई ब्रीफ वीडियो फॉर ऑल द ड्रॉपर्स एंड फॉर ऑल द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कि आपको अभी से लेके मई तक ये वाला नीट अगर जम के अच्छे से फोड़ना है ना तो ये सिलेबस आपको मारना पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ पे बता नहीं रहा कि यार 12 घंटे पढ़ो या 15 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है आप अपना टारगेट कितनी जल्दी कंप्लीट कर पा रहे हो। अगर आप स्मूथली कर पा रहे हो तो आप सिर्फ दिन के कोचिंग के अलावा भी 4-5 घंटे पढ़ोगे, मच मोर देन इनफ है। अगर आप कोचिंग नहीं जाते खुद ही सेल्फ स्टडी करते हो तो 8-9 घंटे इनफ है। ज़रूरी नहीं मैं कहूँ कि यार अगले साल का नीट इतना टफ होने वाला कि चलो अभी से 16-17 घंटे पढ़ो, सब मैं बकवास नहीं करने वाला हूँ। वो हर एस्पिरेंट और हर एक दिमाग हर वाले इंसान का अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मेरा मेन एम था आपको बताना कि अभी से लेके आपको मई तक चीजों को कैसे प्लान आउट करना है, कैसे अब आपको एग्जीक्यूट करना है, वो मैं आप पे छोड़ता हूं। इसमें अगर आपको एग्जीक्यूशन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली या मेल कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज मैं हर एक बच्चे को बताऊं कि अब आज के दिन आपको ये करना है, कल के दिन ये करना, अगर इतना बताने की नौबत आ रही है तो सॉरी आप गलत फील्ड में आ गए हो। आप कोई ऐसी फील्ड ले लो जहाँ पे इतनी पैम्परिंग शायद हो सकती हो, इतना कम सिलेबस हो, इतना बच्चे से सिलेबस हो, तो वहाँ पे सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नेशनल लेवल एग्जाम, इतना तो हम मैं मान के चलता हूँ कि आप खुद भी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प ही होगी। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।